ये बड़ा रोड शो है लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला का। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बनने के बाद, दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद जो है अपने लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त मैं हूं बूंदी में। सर, एक बड़ा आयोजन किया जा रहा और बड़ा स्वागत किया जा रहा, जनता का प्रेम है वो देखने को मिल रहा है। इस संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत प्यार, स्नेह, विश्वास, भरोसा, आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है। 2003 से लगातार इस क्षेत्र की जनता का प्यार से आशीर्वाद मिला है और मेरी कोशिश रहेगी कि इनके भरोसे, इनके विश्वास, इनकी आशाएं, आकांक्षाएं, इनके भरोसे को कायम रखूं। सर, पार्लियामेंट में जिस तरीके से जो आपकी चर्चा हो रही है, यानी कि ओम बिरला 2.0, जिस तरीके से शांत रहते थे, अचानक से आप एग्रेसिव भी देखने को मिल रहे हैं। नहीं, मैं कोई एग्रेसिव नहीं होता, मेरी संसदीय परंपराओं का पालन कराने का प्रयास करता हूँ। संसद की गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, विश्वास भरोसा बने रहे, इसके लिए सबकी जिम्मेदारी, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है और मुझे उन्होंने दायित्व दिया है। मेरी कोशिश रहती है कि संसद की परंपरा और प्रतिष्ठा को कायम रखूँ। सर, पार्लियामेंट में जिस तरीके से देखा जा रहा है अपोजिशन हंगामा कर रहा है, उसको किस तरीके से देखते, क्या कहेंगे? देखो, असहमति सहमति व्यक्त की थे, लेकिन संसद और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। मैं जब दायित्व संभाला, जब भी मैंने आग्रह किया था कि संसद और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। संसद में आपको विरोध, अभिव्यक्ति, अपने मत व्यक्त करने का सबको अधिकार है और सबको मत व्यक्त करना भी चाहिए। क्या जो हंगामा पार्लियामेंट और मत, सब अपने अपने विचारधारा से चुनकर आते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। लोकतंत्र पर असहमति भी होती है, वो असहमति भी व्यक्त की जाती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सबके विचारों को आए, सबके मत को आए, ताकि जितने सबके विचार, मत, सुझाव आते हैं तो उतना ही सकारात्मक बदलाव देश में आता है। नीतियाँ, कार्यक्रम बनाने में भी सरकार को जब सुझाव मिलते हैं, सबके मत मिलते हैं, तो एक बेहतर नीतियाँ बनती है, योजनाएँ बनती हैं, कानून बनते हैं। संसद की यही मर्यादा रहती है। ये जो हंगामा हो रहा है, उसको किस तरीके से निपटेंगे? ये हंगामा में मैंने पहले भी कहा, नियोजित गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमेशा चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, सहमति असहमति होनी चाहिए, लेकिन संसद में नियोजित तरीके से गतिरोध हो, ये हमारी संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। मेरा प्रयास होगा मैं और बेहतर तरीके से लोगों के संवाद, चर्चा करने के, लोगों से, सभी दलों से बात करूँ, ताकि सब अपने अपने विचारों को ठीक से व्यक्त कर सकें। कोटा बूंदी से दोबारा सांसद चुने गए हैं और राजस्थान में जो है डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, विकास को किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से जब राज्य और केंद्र में सरकार एक दल की है तो निश्चित रूप लोगों का अपेक्षाएं बढ़ जाती है। मेरी कोशिश उनके भरोसे, विश्वास कायम रखेंगे। ओम बिरला से लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं अब, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। ये थे ओम बिरला जी, जिन्होंने इनका रोड शो है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड शो है, फूल बरसाए जा रहे हैं, लोग इनसे मिल रहे हैं और इनसे जो है हाथ मिला रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये जो रोड शो है, ये बूंदी के हिंडोली से शुरू हुआ है और कोटा में खत्म होगा। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजारिया, TV9 भारतवर्ष, बूंदी।